सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनदर गुड डे। एंड भाई, बाइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो अभी पहले एक काम करेंगे, बाइक लेके चलते हैं वर्कशॉप पे और चेक कराते हैं क्या दिक्कत है बाइक में, क्योंकि पावर लैग आ रहा है हल्का सा, बहुत माइनर सा है, पावर लैग है, ठीक है, जैसे लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था, और शायद मैंने वो पार्ट कट भी कर दिया हो, तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने ऑलरेडी देख लिया था क्या है। मुझे लगता है इसके जो सेबलिंग स्पार्क प्लग्स हैं वो दोनों में से एक या कोई दोनों ही ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। सेकेंडली, जो सेंटर स्पार्क प्लग है वो बहुत कम टाइम पे ख़राब होता है, बट जो साइड वाले वो हो जाते हैं। तो भी पहले चेक करेंगे साइड वाले, फिर सेंटर वाला चेक करेंगे, और हो सकता है मैग्नेट कॉइल भी वीक हो गई हो, तो जो भी है जैसा भी है चेक वेक करके आज इसको चेंज कर देंगे। और क्योंकि पावर ना, मतलब फुल थ्रॉटल में जैसे गाड़ी जाती है ना, फुल थ्रॉटल बिल्कुल, ठीक है, तो वैसे इस टाइम पे ना इसका फ्लो ख़त्म हो गया है, तो अभी क्या है इसको वापस से उसी फुल थ्रॉटल में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा जो है ना इसका इलेक्ट्रिक चार्ज कम हो जाता है, मतलब क्या होता है ना, फ्यूल कंबशन कम हो जाता है जब स्पार्क प्लग वीक हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो अभी फटाफट से वर्कशॉप चलते हैं और इसको खोल के चेक करवाते हैं क्या सीन है इसका। पहले साइड के दोनों चेक करेंगे, वो तो नीचे वाले दोनों पैनल निकाल के ही पता लग जाएगा, और फिर अगर सेंटर वाला दोनों सही रहे तो सेंटर वाले को खोलने के लिए हमने पूरा टैंक टॉप उतारना पड़ेगा। तो लेट्स गो और काम शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना हम। खैर, बाइक चाहे कोई भी हो, ऐसे नहीं छोड़ने चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ भी मायने रखती है। और इसी के चक्कर में पता है क्या हो रहा है, ये गाड़ी ना कभी बैक प्रेशर नहीं मारती, और उसके चक्कर में पता है क्या हो रहा है, जहाँ पे भी पावर लैग हो रही है ना, वहीं पे गाड़ी बैक प्रेशर मारना शुरू कर दे रही है, मतलब बैक फायर टाइप की जो होती है ना। बैक फायर तो वैसे भी इसमें से बहुत कम टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना मेरी, तब जाके बैक फायर इसमें से निकलनी शुरू होती है। दिवाली पे भी मैं एक फ़ोटो खींचने के लिए ना कम से कम 25 मिनट ड्राइव किया होगा खड़े खड़े की जगह पे, तब जाके हल्की सी फ्लेम निकली, वो तो अच्छा हो वीडियो में कैप्चर हो गया, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपलोड कर दिया था, वरना उस दिन भी पंगे हो जाते बढ़िया वाले, क्योंकि खुद बन जाता ना भाई। फिर अभी देखो, इससे पहले वाली क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे लैग कर रही थी, अभी भी आवाज कर रही है, उस हिसाब से भाग नहीं रही है। आई थिंक साइड वाले तो दोनों चले गए हैं, अगर मदर स्पार्क प्लग चला जाता ना तो ये बाइक इतनी भी नहीं चलनी थी, ठीक है। तो आई गेस साइड वाले ना दोनों ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं में ना सबसे ज़्यादा पानी वानी भी उन्हीं में सबसे ज़्यादा जाता है, तो इस चक्कर में शायद से पंगा वही है। भाई आगे बाइक खोल दी है, ठीक है, स्पार्क प्लग भी निकाल के देख लिया, स्पार्क प्लग डेड है बिल्कुल, ठीक है। अभी एक साइड का निकला, अभी तीनों चेक करेंगे, और अगर तीनों डेड हुए तो तीनों चेंज, और इस बार वापस से एनजी की डालेंगे, ठीक है। इधर का भी खोलना बाकी है सिस्टम, उधर का खोल दिया है, अभी देखते हैं। तो हाँ जी, कल वाले सीन के बाद ये हुआ था कि गाड़ी में पानी जाने की वजह से गाड़ी में दो चार चीज़ें शॉर्ट हो गई थी। शॉर्ट क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पीछे हमारा बैटरी चार्जर होता है, एक तो उसकी वजह से पंगा हो गया था, और पंगा क्या हुआ था उसकी वजह से वो भी मैं समझा देता हूँ। वहाँ से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही थी, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गए थे और फ्यूल पंप उड़ गया था। तो अभी क्या है कि फ्यूल पंप भी नया डाल दिया है और स्पार्क प्लग भी सारे चेंज कर दिए हैं, तीनों के तीनों, और स्पार्क प्लग अपग्रेड करे हैं हमने एनजी के में। तो एनजी के जो है इरेडियम स्पार्क प्लग देता है, तो वापस से पहले भी इरेडियम डाले हुए थे, फिर स्टॉक कर दिए थे, उसके बाद अब दोबारा से इरेडियम डाले हैं। तो भाई जो बूस्ट मिल रहा है ना इस टाइम पे गाड़ी को, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। मतलब मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये ना 5000 RPM, ठीक है, जैसी 7 क्रॉस करेगी ना, कभी ये 10 पे पहुँचेगी ना, एक बार मीटर पे ध्यान देना, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, थोड़ा रोड का स्ट्रेस मिल जाए। देख रहे हो सुई किस हिसाब से घूम रही है ना, बता रहा हूँ, स्कैरी है, बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये वाला मामला ना। और जो लैगनेस आ रही थी ना पहले,
वो ख़त्म हो चुके हैं। जो लैगनेस आ रही थी ना पहले, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी गाड़ी ठंडी है थोड़ी सी, इस चक्कर में थोड़ा सा मामला गलत हो रहा है। ये देखो पहले गियर में ही है भाई, पहले गियर में ही है इतना। अभी रोड आने दो जरा, रोडे नापनी बाकी हैं। अब तो दिन में मैंने चलाई थी भाई, क्या फास्ट जा रही थी ये, बिल्कुल 145 टच हुई थी भाई, वो भी टर्न पे। कसम से बता रहा हूँ, मज़ा इस टाइम पे नेक्स्ट लेवल आ रहा है, क्योंकि एक तो फ्यूल पंप नया है, ठीक है, फिल्टर भी नया है उसका, तो ये सारी चीज़ें अब नई आ चुकी हैं। तो अब पावर और इनहेंस, और कह नहीं सकता कि पेट्रोल कितना खाएगी, आई गेस ज़्यादा ही खाएगी पहले से। तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स है भाई, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, रिकमेंडेड है, एनजी के डलवा लो भाई। और काफ़ी लोग पता क्या करते हैं कि यार मदर स्पार्क प्लग ज़रूरी होता है भाई, साइड वाले भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने तीनों चेंज किए हैं, ठीक है। और तीनों का ना डिस्क्रिप्शन में ना मैं पार्ट नंबर दे दूंगा, कोई भी एनजीके के लोकल डीलर से आप लोग पार्ट नंबर में ना दो तो मैं लिख दूंगा नीचे, बोथ द साइड्स उसका पार्ट नंबर और क्या बोलते हैं मदर स्पार्क प्लग का पार्ट नंबर। अब बस इसकी लाइट्स अपग्रेड होने बाकी हैं, ठीक है, लाइट्स अपग्रेड हो जाएंगी तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और एक और नई मॉडिफिकेशन इसमें होने जा रही है कुछ ही दिनों में, ठीक है, पार्ट्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है। एक तो इसकी मेरे को ये विंडशील्ड चेंज करके दूसरी वाली अपनी डबल बबल लगानी है, ये देखो। ये देखो इतना क्विक मामला है इसका, इतना क्विक है, बहुत क्विक है सिस्टम भाई, बहुत क्विक सिस्टम है। बहुत क्विक मामला है भाई, चौथा गियर कब शिफ्ट हो रहा है इस पावर पे पता नहीं चल रहा है इतना। नाइनटी हंड्रेड कब जा रही है ना, कोई 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 फीलिंग नहीं है भाई, कोई फीलिंग नहीं है 90-100 की, कब जा रही है मीटर देखते ही पता लग रहा है 90-100। ओ माय गॉड। तो भाई इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बी सेफ एंड गाइस राइड सेफ। और भाई सर्दी वर्दी हो रही है, थोड़ा कपड़े वपड़े ढंग के पहन के चला करो। और मैं ये नहीं कहता भाई ऐसे मत चलो वैसे मत चलो, चलो अपनी मर्जी से बट सेफली। और एक सजेशन और चाहिए था, क्या इसका एग्जॉस्ट निकाल के स्टॉक एग्जॉस्ट लगा दिया जाए या आफ्टर मार्केट लगा के रखे, कमेंट डाउन बिलो, उसी के हिसाब से काम कर लेंगे थोड़ा सा। आवाज़ अगर पसंद होगी सबको तो भाई यही एग्जॉस्ट रहेगा, और अगर आवाज़ गंदी लग रही होगी तो भाई मैं रिप्लेस तो कर नहीं सकता, क्योंकि सिंगल सिलेंडर से ऐसी ही आती है। बट ये है कि मैं स्टॉक लगा सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। अभी थोड़ा फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि फ्यूल कम रखना सही नहीं है, शायद इसी की वजह से मेरा फ्यूल पंप उड़ा था। तो अभी भी होगा कम से कम तीन लीटर के आसपास तो होगा, लेकिन थोड़ा सा और फिलअप करा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।